अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग? आपने थंबनेल पे देखा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। इंडियन एम्बेसी हमारी हेल्प नहीं करती है, जब तक हम इनको नहीं हटाएंगे तब तक ये फ्लाइट्स का लेकर के कोई भी काम नहीं करने वाले। तो मैं इस वीडियो में यही पूरी बात करने वाला हूँ और आप लोगों के लिए ही खास कर पूरी बात करने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो बनाने के बाद मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी आ जाए इंडियन एम्बेसी की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि देखो मैं 6 साल 7 साल सऊदी अरब में काम किया हूँ और मैंने देखा है कि कितने सारे लोगों की ये हेल्प करते हैं और कैसे हेल्प करते हैं, और कितने सारे लोग बिना हेल्प के ही मर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अब तक फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि अगर कोई आपके फैमिली मेम्बर में अगर कोई इंतकाल भी कर जाता है सऊदी अरब में, तो इतना आसान नहीं है वहाँ से यहाँ बॉडी लेकर आना, ठीक है। और बहुत सारे लोग हुरूप में हैं, कंपनी से भागे हुए हैं, सैलरी नहीं मिलती है तो कंपनी से भागना पड़ता है, कफील के पास से जाना पड़ता है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी रिलेशन वाले सऊदी में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, कोई भी देश की एम्बेसी, आपको बता दूँ हेल्प जल्दी नहीं करती है, खास के अपनी इंडियन एम्बेसी। कोई और एम्बेसी होगी वो हेल्प कर देती है किसी दूसरे देश वालों की, लेकिन अपनी एम्बेसी कभी भी हेल्प नहीं करती है। 100 में से 2 लोगों की हेल्प करेंगे और अपनी अपनी वाहवाही करेंगे, ट्विटर पे आके ट्वीट करेंगे कि हमने इनकी हेल्प कर दी तो हमने इनकी हेल्प कर दी। ये सच है और सच्चाई है। मैं सऊदी में रहा हूँ ना, तभी मैं जानता हूँ। और अभी तो मैं लगातार कंटिन्यू लगभग 2 सालों से भी ज़्यादा हो गया मुझे यूट्यूब पर काम करते करते और आप लोगों के सामने न्यूज़ देते देते, और आप लोगों ने इस चैनल पे ही आपने देखा है कि हर तरह की न्यूज़, हर एक चीज़ मैंने शेयर की है। तो आज के डेट में बहुत 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 लोग परेशान बने हुए हैं और ख़ास के फ़्लाइट्स को लेकर के, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो कल रात को मैंने 2-3 ट्वीट किए। ट्वीट करना भी ज़रूरी था क्योंकि कब तक बर्दाश्त करेगा बंदा, कब तक बर्दाश्त करेगा। मैं जानता हूँ कि अभी आप लोग ये वीडियोस जैसे ही क्लिक किए होंगे, आपने कहा होगा जावेद भाई ने ये क्या वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं है, मैं आपके ही सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। आप अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो ठीक है, अगर मुझे नहीं भी सपोर्ट करते हो, आप किसी और को सपोर्ट करते हो, अगर आपके कोई भी रिलेशन वाले हैं गल्फ में, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, कहीं पर भी शेयर कीजिए। क्योंकि आगे की जो बात मैं बोलने वाला हूँ ना, ये कड़वा सच आपको कोई भी नहीं बताएगा इंडियन एम्बेसी के बारे में, ठीक है ना। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर हो सकता है, मैं पहले ही बोल दूँ कि मेरा कोई भी इंटेंस नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को मतलब के नीचा दिखाना, गिराना, ठीक है, ऐसा कोई भी इंटेंस नहीं है। अगर आप लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से पहले लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद ही आप कोई कमेंट या कुछ भी सोच समझ करके आप मेरे ऊपर एक्शन लीजिएगा। क्योंकि जो सच है, जो एम्बेसी है हमारी सऊदी अरब में, वो लोग हेल्प नहीं करते हैं। वो लोग बस आप लोगों को बस बताते हैं कि हमने इतने इतने लोगों की हेल्प की, बट 0/0 बोले तो 1 पॉइंट भी हेल्प नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। तो मैंने जो कल ट्वीट किया आपको, मैं ट्वीट में आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने क्या ट्वीट किया। मैंने कुछ लैंग्वेज भी अलग इस्तेमाल किया क्योंकि आदमी का गुस्सा भी हो जाता है ना यार, गुस्सा भी कब तक, कुछ हद तक आदमी बर्दाश्त कर सकता है। 2 साल से ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को हो गए, अभी भी कोई भी बंदा बाहर जाना चाहता है सऊदी अरब के रिगार्डिंग बोल दूँ तो उन लोगों को वाया होकर के जाना पड़ता है। पता, 2 लाख 2.5 लाख खर्च करके वाया होकर के जाएगा बंदा, पैसा कहाँ से लाएगा? गरीब ऐसे ही मरा हुआ है और भी गरीब मर जाएगा, है कि नहीं? बोलो मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। कल रात को इंडियन एम्बेसी जद्दा की तरफ से ट्वीट किया गया था, मैं आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ, देखिए पहले देख लीजिए मैंने क्या क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है वर्ल्ड #वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटिंग अमृत महोत्सव, ठीक है। ये लोग महोत्सव वगैरह सेलिब्रेट करेंगे, हमारे डॉक्टर औसफ सऊद जो एम्बेसडर है सऊदी एम्बेसी के, ठीक है, अपने इंडियन एम्बेसी के। तो इसको मैंने रीट्वीट करके लिखा, ओ सर पैर वाले ऑफिसर्स, फ्री में सैलरी लेने वाले लोगों, गरीब लोगों की बद्दुआ लगेगी, कब तक फ्लाइट चालू करोगे? डायरेक्ट फ्लाइट फ्री में सैलरी लेने वाले लोगों, ऐसे नाकारा लोगों को काम से हटाना होगा। ये मैंने लिखा, इंडियन एम्बेसी को टैग किया, MEA को टैग किया, हर चीज किया, ठीक है। इसके बाद एक और मैंने ट्वीट किया, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पूरे दुनिया की फ्लाइट खुल गई और ये लोग चैन की सांस लेकर, इंडियन एम्बेसी रियाद को टैग किया, चैन की सांस लेकर सो रहे हैं और फ्री में सैलरी जो मिल रहा है, किसी भी इंडियन की हेल्प नहीं करते हैं, फालतू में इनको जॉब दे रखा है फ्री में। फिर मैंने सबको टैग किया तो इस पे बहुत सारे कमेंट आए और आपको मैं वो कमेंट भी पढ़ के सुनाना चाहूँगा जो भी हमारे भाई ने कमेंट किया ट्विटर पे।
आप अभी सुनोगे ना कमेंट, तो ये तो कुछ है, कुछ गिने चुने लोगों ने कमेंट किया जिनको ट्विटर कुछ हल्का फुल्का चलाने आता है। और यहाँ तक तो ऐसे कि लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ट्विटर के बारे में पता भी नहीं है, कहाँ से हेल्प लेंगे उनको पता भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हेल्प के बगैर ही अपनी सांस दबा लेते हैं वहाँ पे बैठे बैठे, और बोलते हैं कि हम आपका बच्चा मर गया, तो आपका बच्चा तबीयत खराब था, यहाँ तक कि कफिल ही मार देता है, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन ये लोग जो एक्शन नहीं लेते हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगा। पाकिस्तान की एम्बेसी, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान कोई भी मत करना, पहले ध्यान से सुन लो बात। पाकिस्तान की एम्बेसी में जो एम्बेसडर लोग थे, जो वर्कर लोग थे काम करने के लिए, तो वो पाकिस्तानी लोगों का बात नहीं सुनते थे सऊदी के अंदर। तो पाकिस्तानी लोगों ने एक ग्रुप बनाया, दो तीन न्यूज चैनल वाले लोगों को सपोर्ट में लिया, उन लोगों को बताया कि हम लोग पाकिस्तानी एम्बेसी में जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, तो ये लोग हमारी हेल्प नहीं करते हैं। ये बात कहाँ तक पहुँची आपको मैंने ये बात पहले बताई हुई, लगभग 2-3 महीना 6 महीना हो रहा होगा बताए हुए। ये बात सीधा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास पहुँची, तो इमरान खान ने स्पेशल ट्वीट करके शेयर किया कि पाकिस्तान एम्बेसी में जो भी वर्कर हैं सऊदी के अंदर में, उन लोगों को अभी के अभी तबादला किया जाएगा, क्योंकि सऊदी में जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अगर कोई मुसीबत आती है तो उनका मसला हल कौन करेगा? पाकिस्तान की जो एम्बेसी जो सऊदी में है वही ना हल करेगा, कि कोई और एम्बेसी तो हल नहीं करेगा। तो इन्होंने चटपट में सबको चेंज कर दिया और सभी को कहा कि मुझे अपना अपना डॉक्यूमेंट फाइल करके हर चीज़ करके मुझे एक वो दो, ताकि आपने क्या क्या गलती की है, ऐसे पाकिस्तानी लोग क्यों कंप्लेन कर रहे हैं। तो देखो, सबका तबादला कर दिया, ऐसे ही हमें भी करना होगा, तभी इन लोगों का तबादला होगा, क्योंकि इन लोगों को बैठे बैठे सैलरी मिल रहा है। आप अगर हुरूप के बारे में बात करोगे तो ये लोग ऑटोमेटिक जो है रिप्लाई कर देते हैं, डॉट इतना इतना पे आप ईमेल करें। हमें क्या पता भाई, हम तो पढ़े लिखे है ही नहीं, हम कैसे ईमेल करेंगे? और हम किसको बोलेंगे भाई मेरा ईमेल करो? आप कोई भी हेल्प लेने जाओ, आपके घर में कोई इंतकाल कर जाए, आप इनको कमेंट करो, ट्विटर पे ट्वीट करो, या फ़ोन करो, या ईमेल करो, रिस्पॉन्स ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये लोग सोते रहते हैं, इनके पास में काम होता है, ऐसा नहीं है काम नहीं होता है। काम पता क्या होता है? घर से बात करेंगे, ईमो पे, व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे। ये सच्चाई है जी, ये सच्चाई है, मैंने खुद भी लाइव देखा है इंडियन एम्बेसी लोगों का। ठीक है ना, मुझे पता है कि अभी जो भी वीडियो देख रहे होंगे इंडियन एम्बेसी वाले, तो बोल रहे होंगे कि अच्छा होता कि मैं लॉकडाउन में इस लड़के को फंसा देता सऊदी के अंदर, ये सऊदी के अंदर ही घुट घुट के मर जाता मेरे बारे में। जी होता मेरे साथ ऐसा, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम रहमो करम से मैं अभी भी इंडिया में बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने किसी का कोई गलत नहीं किया। और ख़ास के अपने इंडियन एम्बेसी तो समझ ही रहे हो कैसा है नहीं है। तो ये लोग ऐसे करते हैं, आप अगर कोई भी हेल्प के लिए जाओ, ये सीधा बोलते हैं लाइन में लगिए। लाइन में लगने के बाद ही बोलेंगे कि हमारा टाइम ओवर हो गया, हमारे खाने का टाइम हो गया है। मतलब कि हम इंडियन अगर सऊदी में किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो इसका सॉल्व सिवाय इंडियन एम्बेसी के कोई भी दूसरी देश की एम्बेसी सॉल्व नहीं करेगी। सही बात है ना? बट ये लोग क्या करते हैं, बस आराम से लाइन में लगे रहिए, आप हमें ईमेल कीजिए, हम ईमेल का जवाब देंगे। आप 50 ईमेल कर दो, एक ईमेल का जवाब देंगे कि आपने ये गलत लिखा है, इसको सही से भेजिए। थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हमें कोई ना कोई एक उपाय उठाना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक ग्रुप बनाया जाए, या आप लोग ट्विटर पे आके सपोर्ट कीजिए हैशटैग करके, और इन लोगों के जो भी आपके साथ घटना हुई है, या आप इंडियन एम्बेसी के पास गए हो हेल्प मांगने के लिए, मुझे 1 मिनट की वीडियो भेजिए आप लोग, 59 सेकंड की वीडियो भेजिए आप लोग, मुझे चाहिए आपकी वीडियो। भले आप चेहरा दिखाइए या मत दिखाइए, आप चेहरे में कुछ लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, मुझे वीडियो भेजिए कि आपके साथ ऐसा सा प्रॉब्लम हुआ, इंडियन एम्बेसी ने आपकी हेल्प नहीं की। वो वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा ताकि लोगों तक जाए। ठीक है, जब तक गवर्नमेंट के पास शिकायत नहीं पहुंचेगी तब तक ये लोग चेंज नहीं होंगे। समझ रहे हो ना आप? इन लोगों का टाइम पीरियड होता है 3 साल 4 साल 5 साल का, इसके बीच में ही ये लोग चेंज होते हैं, इससे पहले ये चेंज नहीं होते हैं। क्योंकि इनको हमें औकात दिखानी होगी ताकि ये लोग अपने औकात पे आ जाए। फ्री में जो लॉकडाउन में सैलरी ली है ना, और हम लोग घुट घुट के मरे हैं सऊदी इंडिया में आकर के बिना सैलरी के, बिना खाने पीने के, तो इन लोगों को भी वो दिन दिखाने होंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों से मैं यही कहने वाला हूँ कि आप लोग जो भी रिलेशन वाले हैं सभी लोगों को बोलिए ताकि एक हो जाए, और इन लोगों के खिलाफ हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारी मदद नहीं करते हैं 100% भाई, नहीं मदद करते, नहीं मदद करते हैं, नहीं मदद करते हैं जी। अगर आप किसी भाई को भेजते हो नया वीज़ा पे, आप अपने भाई को नया वीज़ा पे भेजते हो, वहाँ जाने के बाद यहाँ आपको बोलता है एजेंट कि आपके भाई की सैलरी इतनी है, 5 तरह का काम है। जब बंदा वहाँ पहुँचता है तो मालूम पड़ता है कि उसके पास में 20 तरह का काम है, और वो काम उसको आता ही नहीं है, उसने कभी किया ही नहीं है।
फिर आपका जो उसका जो कफीले कहेगा कि हम तुमको 2000 के जगह पे 500 सैलरी देंगे, तो आपको कितना तकलीफ होगा। फिर इस टाइम पे क्या होगा, आप इंडियन एम्बेसी से हेल्प लोगे, बताओ क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, आपको हेल्प ही नहीं करेंगे, हेल्प ही नहीं कहेंगे। आप हमें कफील का नंबर भेजिए, कफील से बात करेगा, फिर कहेगा आप 3 महीना पूरा करो, उल्टा पुल्टा कुछ भी समझा देंगे, बस हो गया। 100 में 3 लोगों का ये लोग एग्जिट लगाएंगे या हेल्प करेंगे, इसके बाद पड़े रहिए। पिछले साल 2019 में जो इन लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे कुछ लोगों को भेजा था, आपको हुरूप वाले लोगों को, कफील से भागे हुए लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भर के, वो फॉर्म भरने वाले आज तक वेट कर रहे हैं, फॉर्म भर के 1.5 साल हो गया, अब तक इनको नहीं भेजा गया। ये लोग जब जेल में पकड़े जाएंगे, जेल में रहते तो ये लोग पूछने भी नहीं जाते कि हमारे इंडियन भाई कितने फंसे हैं यहाँ पे, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, खास के इंडियन एम्बेसी। बता जाओ, अपनी एम्बेसी ही सऊदी में हेल्प नहीं करेगी, गल्फ में हेल्प नहीं करेगी, तो हम किससे जाएंगे भीख मांगने के लिए, भाई मेरी मदद कीजिए, मुझे घर जाना है, किससे? कोई एम्बेसी हेल्प करेगी? नहीं करेगी। जितनी भी एम्बेसी सऊदी अरब के अंदर में है, सभी एम्बेसी अपने अपने देशवासियों का हेल्प करती है। अरे नेपाल को देख लो, नेपाल की एम्बेसी देख लो, आप उनका ट्विटर अकाउंट चेक कर लो, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का वो सॉल्व करते हैं और बताते हैं। और हमारे यहाँ वो तो 4 दिन से ट्वीट नहीं करते, सोए रहते हैं। आप फ्लाइट के ट्वीट करो, एक भी कमेंट रिप्लाई नहीं देंगे, कोई सवाल करो 100 में से 4 का रिप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ एक बात और, जैसे ही ये लोग कोई मीटिंग करते हैं सऊदी गवर्नमेंट की साथ में, हमने फ्लाइट की मीटिंग कर दी, बहुत जल्द फ्लाइट खुलेगी, 2 साल से तो ये लोग फ्लाइट नहीं खोल पाए, तो फ्लाइट की बात तो छोड़ी दो, आपकी हेल्प क्या करेंगे? जब इनको इनके पास में फ्लाइट खुलवाने की ताकत नहीं है, तो ये लोग हेल्प क्या करेंगे? जो 1.5 लाख 2 लाख हम किसी दूसरे कंट्री में खर्च करके सऊदी अरब आ रहे हैं, क्या 1 लाख का टिकट डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी अरब कर दे, 1 लाख का टिकट भी रहेगा ना, तो बंदा ले करके जाएगा, क्योंकि उसको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, उसको हैरान नहीं होना होगा, परेशान नहीं होना होगा। हमें दिमाग में तो ये घुसा रहता है कि यहाँ से दुबई जाएंगे कहीं कोरोना ना हो जाए। कितने लोगों को हुआ है जी, कितने लोगों को हुआ है, कोरोना हो गया वहाँ जा करके, उनका अच्छा खासा टिकट खत्म हो गया, पैसा बर्बाद। फिर जब आपको कोरोना हो जाएगा ना वहाँ दुबई में, फिर आपका कोई एजेंट भी हेल्प नहीं करेगा, कहेगा कि भाई इसमें तो हमने शामिल नहीं किया था, बजाबते चलो होटल वाला आपका कॉन्सेशन कर देता तो कर देता, वो भी नसीब से। अब इस बीच में आपको कोई कोरोना वगैरह हो जाए तो कौन परेशान होगा? आप ही परेशान हो गए ना। तो जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये नहीं सुनने वाले, ठीक है। आप लोगों के लिए खास मैं रात में बहुत गुस्सा था, क्योंकि देख रहा हूँ ये लोग कुछ करते ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करते। कोई मीटिंग करेंगे फटाक से ट्वीट कर देंगे कि हाँ भाई हमने ये मीटिंग की है, फ्लाइट खुल जाएगी। कहाँ खुली फ्लाइट? 2 साल से ज़्यादा हो गए, कहाँ खुली फ्लाइट? इंडियन गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे एम्बेसी में जो भी एम्बेसडर है, जो भी वर्कर है जो सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, इनको हटाया जाए। इसके साथ साथ जो सऊदी एम्बेसी अपने इंडिया के अंदर है ना, वो भी हमारी हेल्प नहीं करते हैं, वो तो ऐसे गुस्से से बात करते हैं जैसा लगता है कि हमने उनका करोड़ों का कर्जा ले रखा है। मैंने लाइव देखा है, ऐसा लगता है ये सऊदी एम्बेसी जो दिल्ली में है ना, वो लोग ऐसा लगता है कि हमने उनका करोड़ों का कर्जा ले रखा है, कर्जा ले रखा है उनका, जो हम उनसे हेल्प मांगने जाते हैं, वो लोग हमारी बात ही नहीं सुनते। बात तो छोड़ो, खड़े नहीं होने देते, कोरोना है चलो आगे। अच्छा नेता लोग कोरोना के टाइम पे अपना डंका बजाए जा करके, पूरे पब्लिक को भीड़ लगाए बजाए जा करके, ठीक है ना, सच बोल रहा हूँ, लेकिन कड़वा है, यही बात है। मेरा मुंह देख रहे हो, मेरे को ना बहुत 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 गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कमेंट दिखाऊँ आपको, आपको मैं कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। अगर आप इमोशनल नहीं हुए तो फिर आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, चले जाना अभी यहाँ पर से, इमोशनल हो जाओगे आप। देखो सुनो कमेंट, हमारे यादव भाई कमेंट करते हैं, सही बात है भाई, मेरा भी भाई 2 साल से सऊदी जेल में है, ये लोग 5-7 बोल के आज 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ, इनका भाई जेल में फंसा हुआ है। इसके बाद एक भाई का कमेंट है, भाई इंडियन गवर्नमेंट को नज़र ही नहीं आ रहा है, अगर नज़र आता तो फ्लाइट रिज्यूम कर देते, सही बात है। इसके बाद है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही घटिया और बहुत ही लूज है, ठीक है। ये सब कमेंट है हमारे, सिर्फ मुस्लिम भाइयों का कमेंट नहीं है, हिंदू भाई का कमेंट है, ये दिलीप कुमार का भाई कमेंट है, हमारे हुसैन भाई का कमेंट है, जावेद भाई मेरे वालिद का इंतकाल हो गया सऊदी अरब के अंदर, अभी उनको इंडिया लाने के लिए डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर चल रहा है। अब बात ये नहीं कि प्रोसीजर चल रहा, बात ये है कि अब तक अब्बा का बॉडी हमारे वापस इंडिया नहीं आया, और हम बहुत ही ज़्यादा बेहद परेशान हैं। इंडिया का जो सिस्टम है और सऊदी का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, बहुत ही बेकार है। डेड बॉडी लाने में आपको महीनों, 2 महीने 3 महीना 6 महीना गुजार देते हैं। आप सोचो, एग्जांपल आपके पापा अगर सऊदी में काम करते होंगे, खुदा ना खास्ते अल्लाह ना करे, और फिर आपको उनको बुलाना पड़े तो आप क्या करोगे? कोई हेल्प नहीं करता इंडियन एम्बेसी भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इमोशनल कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी आप कोशिश कर लो, ठीक है। हमारे एक भाई ने कमेंट किया है, हराम का घड़ा जल्दी भर जाता है,
जैसे कि जेट एयरवेज का, ऐसे आपको क्या बोले? नेहा जी ने कमेंट किया है, सब कॉरपोरेट की चार्टर फ्लाइट्स को फायदा देने के लिए नहीं ओपन कर रहे हैं फ्लाइट, ठीक है, उधर से अच्छा कमीशन मिल रहा है और पब्लिक को किसी की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, मैं क्या बताऊं, मैं तो यही यही देख रहा हूं कि कुछ ट्वीट पे कुछ कमेंट लोगों ने किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रोजाना मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल के रोजाना हजारों, लगभग क्या बोलूँ मैं, हर वीडियो में 50 कमेंट यही होते, जावेद भाई मैं सऊदी में फंसा हूँ, मेरा कफील अच्छा नहीं है, जावेद भाई मेरा काम अच्छा नहीं है, मेरी सैलरी नहीं मिल रही है, भाई ऐसे बहुत सारे कमेंट है। ऐसे में हमारी हेल्प कौन करेगा? हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल, कल कौन? आज मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ इंडिया में, मैं अपने भाई को कल भेजूंगा, वो फंस जाएगा तो मैं भी बिना हेल्प के रह जाऊंगा, कि वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो हेल्प करना ही नहीं चाहते इंडियन गवर्नमेंट। आपको पता ही है, पहले से बता दूं कि अपने यहाँ लाचार है तो सऊदी में तो क्या सिस्टम ही रहेगा, सही बात है ना? तो हम आज अगर अच्छा नहीं करेंगे तो कल हमारे लिए और बुरा होगा। तो आप लोग, वीडियो भी लंबी हो गई है, आप लोगों से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैलाइए, और इंडियन गवर्नमेंट से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरे मुंह से अगर कोई वर्ड अगर गलत निकला हो तो मेरा कोई इंटेंस नहीं है आपको बुरा बोलने का, बट हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं ना। हमारे साथ में बहुत सारी पब्लिक जुड़ी हुई है, खासकर 4 लाख सब्सक्राइबर मेरे पास में है इस चैनल से लेकर के दूसरे वाले चैनल पे, तो मैं सभी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ सभी लोगों से, और इन लोगों का मैं दर्द देख चुका हूँ। 2 सालों से यूट्यूब पे वीडियो बना बना करके सबसे बात कर करके मैं देख चुका हूँ कि कितने लोग परेशान होते हैं सऊदी अरब में। हर कोई खुश नहीं है सऊदी में, और खास के ज्यादा दुख कब होता है, जब अपने ही आदमी हमें परेशान करते हैं, खास के अगर कोई हेल्प लेने के लिए जाए, पासपोर्ट कैसे बनेगा ये हमें पता ही नहीं है, हम पूछेंगे इंडियन एम्बेसी से तो हमें सही से समझाते नहीं है। अरे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे होते तो हम यहीं आते काम करने के लिए, हम इंडिया में कोई काम नहीं कर लेते। लेबर क्लास के लगभग 75% लोग लेबर क्लास का काम करते हैं। हाउस ड्राइवर क्या लेबरी क्लास का काम है? पेंटर का काम क्या लेबरी क्लास का काम है ना? ऑफिशियल काम तो हम लोग जानते ही नहीं है, अगर पढ़े होते अच्छे खासे तो हम तो ही नहीं ये सब काम करते। तो ऐसे लोगों को तो मोबाइल भी चलाना ढंग से नहीं आता है, घर में बात करने के लिए बंदा कोई भी मोबाइल चला लेता है थोड़ा बहुत। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, फैलाइए, ठीक है। मैं अभी आज सुबह से ही उठा हूँ, मैं सोच कर रखा था कि आज मैं ये वीडियो बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए बनाऊंगा। मुझे पता है ये वीडियो जैसे अपलोड करूंगा कुछ ना कुछ मेरे पास में ईमेल वगैरह आने वाले हैं, 100% श्योर कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। बाकी अल्लाह का करम है, देखो सच्चाई सच्चाई होती है चाहे जो भी हो। मैंने अपनी वाइफ को ही पहले बोल दिया वीडियो में ही बनाने वाला हूँ, कुछ ना कुछ ऑप्शन आ सकता है, क्या पता कोई ना कोई मुझे हाईलाइटेड कर दे, कोई ना कोई क्लिप काट करके, कोई ना कोई मुझे ही टांग दे कहीं ना कहीं पर वीडियो बना करके, कोई बात नहीं है। सच का हमेशा, सच्चाई का आप लोग मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं है, अगर आप लोग साथ नहीं रहेंगे तो फिर डर है पक्का। आप लोगों से एक एक वीडियो, जो मैंने कहा कि छोटी छोटी वीडियो मुझे 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड की बना करके मेरे ट्विटर अकाउंट पर आप टैग कीजिएगा जावेद वर्ल्ड 7 करके, वहाँ पर डालिए, मैं वहाँ से डाउनलोड करूँगा, और आप लोगों की हेल्प मैं करना चाहता हूँ, तभी मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे किसी को टिकट नहीं मिल रहा था, आपके भाई ने प्रोवाइड करवाया था बहुत सारे लोगों को टिकट, अभी भी बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे ट्विटर पे पुराने भाई हैं जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता है ये चीज़, ठीक है। चलिए वीडियो बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि भाई इमोशनल क्या करूँ मैं, बहुत 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 एकदम तबाह कर दिया इन लोगों ने यार, तबाह कर दिया। चलिए अल्लाह हाफिज़, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, कहीं पर भी आप देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, व्हाट्सअप पर देख रहे हैं, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, बिना बोले समझे सीधे आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करेंगे तभी आगे तक पहुंचेगा, और एक होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, तभी हम कुछ कर सकेंगे। आपके भाई भी वहाँ फंसे होंगे, आपके पापा भी वहाँ फंसे होंगे, आपकी फैमिली मेम्बर भी वहाँ फंसी होगी, ठीक है ना। चलिए अल्लाह हाफिज़।